जब मैं यंत्र कंपटीशन में जब पार्टिसिपेट किया ना, उससे पहले ना मेरा टेक्निकल नॉलेज था वो सिर्फ थेरोटिकल था, मतलब सिर्फ हमने थेरोटिकली पढ़ा था या फिर वही सीखा था, पर वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं किया। जैसे ही हमने EYRC कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और बाद में वन बाय वन हमें वो इम्प्लीमेंट करने मिला, तब बहुत कुछ सीखने मिला। और इमेज प्रोसेसिंग जिस बेसिस पे हमारी थीम है उसके बारे में कुछ पता नहीं था, पर इस थीम के वजह से हम पूरा इमेज प्रोसेसिंग सीख गए। रास्पबेरी पाई पे वर्क किया और पाइथन वगैरह लैंग्वेज जो नई नई लैंग्वेजेस थी वो भी सीखे। जो यंत्रा का यहाँ का जो कल्चर है उससे भी बहुत ज़्यादा सीखने को मिला कि एवरी टाइम जब कोई आपको प्रॉब्लम आए तो ज़्यादा टेंशन मत लो, एवरी प्रॉब्लम हैज़ ए सॉल्यूशन। जब हमें पिक एंड प्लेस मैकेनिज्म का डिज़ाइन बनाना था तो सबसे बड़ा टारगेट था कि उसे बनाए कैसे। जब हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट जो कि 60 या 70% करेक्ट था, तो उसके बाद जो कॉन्फिडेंस में हमें आया कि या हम इसको 100% बना सकते हैं, और हमने उसको 100% बना दिया। इससे हमारा कॉन्फिडेंस और भी बिल्डअप हो गया, और इससे ये पता चलता है कि कोई भी प्रॉब्लम अगर है तो उसको पहले ही अटेम्प्ट में 100% नहीं सॉल्व किया जा सकता, स्टेप बाय स्टेप हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली हम कर सकते हैं।